शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत गोपालपुर पंचायत के सनारसा गांव में लोगों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ मिश्रित फसलें कैसे तैयार की जा सकती हैं बताया गया। लोगों को गाय के गोबर व गोत्र का उपयोग कर जैविक दवाइयां बनाने की विधियां भी बताएगी। शिविर में लोगों को कृषि विभाग के आत्मा परियोजना के विशेषज्ञों ने जीवा अमृत, बीजा अमृत, गन बीजा अमृत, ब्रह्मास्त्र आदि कैसे बनाया जाता है लोगों को सिखाया गया। लोगों को बताया कि प्राकृतिक खेती करना निरोग जीवन के लिए आवश्यक है। सनारसा गांव की मधुमिता शर्मा ने बताया कि सनारसा गांव में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से मौके पर बताया गया कि कैसे जीवा अमृत तथा पौधों के लिए पेस्ट आदि बनाए जा सकते हैं। ये भी बताया गया कि पहाड़ी भारतीय गाय का खेती और मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। मधुमिता शर्मा है, मैं गांव सनारसा की निवासी हूँ। आज हमारे सनारसा गांव में प्राकृतिक खेती के बारे में एक शिविर लगा, जिसमें हमें प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी और जीव अमृत हमारे यहाँ पे बनाना सिखाया। और गाय के बारे में, जो पहाड़ी गाय है वो कितना जरूरी है पालना, उसके बारे में भी बताया। आत्मा परियोजना के ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर करण डिप्टा ने बताया कि प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिविर गोपालपुर पंचायत के सनारसा गांव में लगाया गया। इसमें लोगों ने काफी रुचि भी दिखाई। इस दौरान बताया गया कि पहाड़ी गाय का खेती में क्या महत्व है और रसायनों से दूर रहकर किस तरह से फसलों को पारंपरिक विधियों से दवाएं बनाकर फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम करण गुप्ता है और एज अ ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर रामपुर में मैं कार्य कर रहा हूँ। आज प्राकृतिक खेती के ऊपर हमने कैंप लगाया है, एक शिविर लगाया था गांव सनारसा में, जो कि गोपालपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। इसमें हमारी मेन कोशिश जो है वो यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवगत कर सके प्राकृतिक खेती के बारे में, और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती के अंदर जो है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की स्कीम भी है जो हमारे थ्रू ही आजकल हम जो है कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आज हमने लोगों को अवगत कराया है और काफ़ी लोगों का उत्साह देखने को मिला है हमें यहाँ पे कैंप में, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कार्रवाई करें। शेर सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से प्राकृतिक खेती के बारे में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि फसलों और पौधों को कैसे बीमारियों से बचाया जा सकता है, कैसे जैविक विधि से इनका उपचार हो सकता है। आज कृषि विभाग की तरफ से जो यहाँ प्राकृतिक खेती के बारे में कैंप लगा, उसमें काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सबने जो है किस तरीके से जो है वो क्या बोलते हैं तने को बचाना है और किस तरीके से जो है वो प्राकृतिक जो है उसमें लेप लगाना है, उसको जो कृषि विभाग की तरफ से आए थे उन्होंने जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया और लोगों ने भली भांति समझा। और साथ ही कृषि विभाग की तरफ से आए विशेषज्ञ ने महिलाओं को, यहाँ के सारी जनता को जो है वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से